नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवा WATC में, एंड इट्स मी देवेंद्र जांगरा। और आज हम यहाँ पर एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, एसिड बेस साल्ट। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, हम पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपको कुछ चीज़ बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो बताएंगे। पहले देखिए, एसिड बेस साल्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एसिड की बात करेंगे। तो एसिड जो होता है वो हमें H+ आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और जो एसिड होता है वो दो टाइप का होता है, एसिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है हमारे पास मिनरल एसिड। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है और वीक मिनरल एसिड कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले मिनरल एसिड की बात करते हैं। तो मिनरल एसिड है हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। अब मिनरल एसिड के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिक एसिड की। कौन सा एसिड है ये? कार्बोनिक एसिड है। है कौन सा? मिनरल एसिड है। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मैन मेड होते हैं ये, लेकिन इनके अंदर जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है ये क्या है? वीक एसिड है, समझ गए भाई। उसके बाद में जो HCl है, यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेगा बायो के लिए। HCl जो है वो हमारे पेट में भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन करता है हमारे स्टमक के अंदर, वो मुकस प्रोडक्शन करता है इसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये यहाँ पर बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना बेटा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में हमारे पास है H2SO4। H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ज़्यादा डिटेलिंग में हम बताएंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। उसके बाद में हमारे पास HNO3 है, HNO3 को क्या बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड बोला जाता है बेटा, ध्यान रखें बेटा इस चीज़ का। और जो H2CO3 है वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि क्या है, ये वीक एसिड है, लेकिन किस कैटेगरी का है? मिनरल एसिड कैटेगरी का है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दें। उसके बाद हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास CH3COOH, ये वीक एसिड है, ये इसके ऊपर ध्यान दें, वीक एसिड है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। तो ये हमने कैटेगरी देखी कि एसिड की कैटेगरी ये है। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? बेस के बारे में। एसिड का टेस्ट आपको पता होगा कैसा होता है, खट्टा होता है, जैसे इमली है, दही है, ये जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड हमने डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, एसिड की बेसिसिटी भी करेंगे, थोड़ी बच गई तो चलो बता देता हूँ एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास है H2SO4, तो इसकी अगर बेसिसिटी बात करें तो इसकी दो बेसिसिटी आएगी। अब इसकी दो बेसिसिटी कैसे आएगी वो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है? इसकी डिटेलिंग आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने थे? चार थे, चार में से एक तो डबल बॉन्डिंग का हो गया, अब बच गए कितने? तीन, तो तीनों को हमने अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई? बेसिसिटी कितनी आ गई इसकी? दो बेसिसिटी आ गई। तो बेटा ऐसे ही हम स्ट्रक्चर बना के इनका डिस्कस करते रहेंगे, आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें। और अब थोड़ा बेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल डीपली मैं आपको लेके जाऊंगा हर एक चीज़ में, कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेस की। बेस जो होता है हमारे पास वो क्या देता है हमें? OH नेगेटिव आयंस देता है। किसके अंदर? वही चीज़ एक्वा सोल्यूशन के अंदर देगा, समझ गए। जैसे कि हमारे पास है KOH, NaOH, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, समझ गए। तो यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं NH4OH का ट्वाइस, ये भी क्या है? एक बेस। लेकिन ये जो बेस हैं ये कैसे हैं? ये वीक बेस हैं बेटा, इसके ऊपर ध्यान दें, ये वीक बेस हैं। और ये दोनों जो हैं ये कैसे भी हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब इसका तुम्हें नाम तो पता होगा, इसका नाम क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे नाम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है कास्टिक पोटास। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है जो कास्टिक सोडा। बेटा एक एक चीज़ मैं कॉन्सेप्टेबल बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने। मिल्क ऑफ मैग्नीशा, इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशा।
क्या नाम है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या चीज़ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आपने देखा होगा स्लेग्ड लाइम इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेगा थोड़ी देर में, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है क्वेश्चन इसका। इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका टेस्ट चिकना होता है और कड़वा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है बेटा, चिकना और कड़वा। साबुन को देखोगे चिकनी भी होती है और कड़वी भी होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमने भी लिखा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, NH3 जो है वो है अमोनिया, क्या है हमारे पास अमोनिया है। और अमोनिया को बोलते हैं कि अमोनिया बेस क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अमोनिया बेस इसलिए है कि जब इसको वाटर के अंदर डाला जाता है या रिएक्शन कराई जाती है इसकी, तो ये हमें प्रोड्यूस करवा के देता है NH4OH का, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, समझ गए भाई। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। चलिए दोस्तों ये तो हुई थोड़ी बेस की बात, अब थोड़ी साल्ट की बात कर लेते हैं। तो साल्ट की कैटेगरी भी अलग अलग होती है, साल्ट की जो कैटेगरी है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि साल्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉमन साल्ट की, कॉमन साल्ट कौन सा होता है, कॉमन साल्ट NaCl। उसके बाद में जैसे कि हमारे पास साल्ट और भी होते हैं, जैसे MgCl2 है, ZnCl2 है, ठीक है, NaNO3 है, तो इनकी फैमिली होती है, वो भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसका डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, पूरी चीज़ आपको डिटेलिंग में मिलेगी। एक बार थोड़ा सा चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखिए हमने एक रिएक्शन देखी थी कि HCl+H2O, ये रिएक्शन आपने देखी होगी इसकी, इसकी रिएक्शन होती है तो ये हमें देता है H+ और Cl-। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका ये होता है HCl+H2O और H3O+Cl-। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस करें इस चीज़ के ऊपर। अब जो यहाँ पर रिएक्शन आती है एग्जाम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, और उन रिएक्शन के साथ साथ हम कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन करवाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर कि कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा CBSE के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पहले थोड़ी सी इसकी बात कर लेते, कैसे होते कैसे नहीं होते, ठीक है, पता चल गया आप सभी को। उसके बाद देखिए कि एसिड जो है और बेस अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, इस चीज़ को ऊपर आप ध्यान दें भाई। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बेस क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाएंगे, साल्ट और वाटर। कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे कि हमने ले लिया HCl+ में क्या ले लिया, एक बेस ले लिया NaOH, तो इसने क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाया बेटा, इसने प्रोड्यूस करवा दिया हमारे पास साल्ट। साल्ट कौन सा बनेगा, NaCl, ये कौन सा होता है बेटा, कॉमन साल्ट होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं बेटा। उसके बाद क्या क्या प्रोड्यूस करवा देगा बेटा, ये H2O क्या होता है बेटा, वाटर होता है बेटा। फोकस करें इस चीज़ के ऊपर बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मूले को भी नहीं बता पाते, ठीक है, तो उनके ऊपर फोकस ज़रूर करते रहें। उसके बाद में अब रिएक्शन देखते हैं कि जो एसिड और मेटल की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, ठीक है। एसिड और मेटल अगर रिएक्शन करती हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है बेटा, साल्ट प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है बेटा। कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर आपको लेबोरेटरी वीडियो देखना है तो मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल के ऊपर विजिट करें और वीडियो को देखें। चलिए बात करते हैं एसिड की, जैसे कि हमने एक एसिड ले लिया H2SO4 और हमने एक मेटल ले ली मैग्नीशियम। जब इसने रिएक्शन की तो इसने प्रोड्यूस करवा दिया MgSO4+ में H2। ये जो गैस है कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, और इसका जो साउंड होता है वो कैसा होगा बेटा, पॉप साउंड होगा बेटा। कैसा साउंड होगा, पॉप साउंड होगा। वीडियोस अपलोड कर रखी है एक्सपेरिमेंट की, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में मान लो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ZN, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HCl के साथ। अब ध्यान रखें ZN क्या है बेटा हमारे पास, ZN एक मेटल है और HCl क्या है हमारे पास, एक एसिड है। इसने रिएक्शन करवा दी, क्या प्रोड्यूस करवाया, ZnCl2, और ये क्या है हमारे पास,
साल्ट है बेटा, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास H2 गैस आ जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करना आती होगी, रिएक्शन बैलेंस करनी आती होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो ZnCl2 लिख रखा है, किसी बच्चे को पता नहीं होता कि सर ये ZnCl2 लिख देते कैसे फॉर्मूले बनते हैं, तो बेटा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ कॉन्सेप्टेबल बेस आपको बताई जाएगी, हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, इसके बाद में देखिए थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, वो भी हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि CO2 है, ये क्या है हमारे पास, ये नॉन मेटल है बेटा, और ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूले का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। और बेटा फॉर्मूले का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर ध्यान दें। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है उसकी, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे कि हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ये तो बेस की करता है, क्यों, इसके अंदर तो आप डायरेक्ट देख लोगे क्या है, OH नेगेटिव आयन है। लेकिन अगर हमारे पास हो MgO तो भी ये क्या है हमारे पास है? क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, चलिए आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ इसकी। देखिए जैसे कि हमारे पास है MgO प्लस में HCl, अब HCl क्या ले रखा है हमने, एसिड ले लिया, और ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है मेटल ऑक्साइड है बेटा, क्या है, मेटल ऑक्साइड है। कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेटा, ये बेस की। और थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जब एसिड एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटा, साल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखिए MgO प्लस HCl तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा यहाँ पर, MgCl2, और MgCl2 क्या होता है बेटा, साल्ट होता है, और क्या चीज़ निकल के आएगा, वाटर, वाटर है, यानी कि क्या है हमारे पास, वाटर। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई बेटा। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो बेटा ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की, और जैसी भी हमारी वीडियोज़ आती हैं आपको मिलती रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोज़ के हम पार्ट्स बनाएंगे, ये नहीं है कि एक ही वीडियो के अंदर आप पूरी चैप्टर करवा दें, ठीक है, वो भी आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन जो वीडियोस बना रहे हैं हम उनको पार्ट में बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे तो देखने में अभी आपको दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी वीडियो में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करवाए जाएंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए वैसे वैसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जो कमज़ोर हैं, जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, मैं हर एक बच्चे के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा एक एम है कि जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, किसी के माध्यम से पहुंचे, ज़रूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो, बाय।